हे वेलकम बैक, मैं हूं बिजेंद्र फ्रॉम PSI टेक। हे वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पैच टूल के बारे में। पैच टूल काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हीलिंग ब्रश टूल, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के बारे में बात की थी, उससे भी आप चीज़ों को रिमूव और रिप्लेस कर सकते थे। इससे भी आप चीज़ों की कॉपीज कर सकते, उन्हें रिप्लेस कर सकते और उन्हें रिमूव कर सकते। काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है। चलिए जानते हैं पैच टूल के बारे में। तो दिस इज द पैच टूल। बाकी सिलेक्शन टूलों की तरह यहाँ पर भी वही सेम प्रॉपर्टीज है, जैसे कि आप इससे ऐड सिलेक्शन कर सकते हो, इससे सब्ट्रैक्ट और इससे इंटरसेक्ट। फिर है हमारे पास नॉर्मल। नॉर्मल में आप देखेंगे कंटेंट अवेयर मिल जाएगा आपको, सोर्स, डेस्टिनेशन, ट्रांसपेरेंस, ये सारी चीज़ें क्या हैं सब कुछ सीखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम इस पर रहने देते हैं नॉर्मल पे। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी सेटिंग है डिफ्यूजन 5, तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास एक पिक्चर है। मैं इस एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ, यहाँ से सिलेक्शन बनके तैयार हो गया है। और अगर मैं इससे ब्लू कलर पे ले जाऊं तब भी ये फिक्स हो जाएगा, यानी कि इसका कलर एक्सपोजर मेंटेन कर देता है फोटोशॉप अपनी तरफ से। एक बार कंट्रोल जेड से हम अंडू करते हैं और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, जैसे कि सिलेक्ट दी ऑब्जेक्ट। और अगर अब इसे हम इस ऑरेंज पे ले जाएं तो देखिए, अभी आप अब देख रहे होंगे तो वहाँ पे ऑरेंज आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं माउस की लेफ्ट की को छोड़ देता हूँ तो ये उससे रिप्लेस हो जाता है और वहाँ पे उसके जो एरिया है उसके एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ पे कलर और पिक्सल्स आ जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसका एक्सपोजर आ जाता है और चीज़ गायब हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। ये समझ लीजिए, चाहे आप डार्कर में ले जाएं, चाहे ब्राइटर में ले जाएं, चाहे किसी और कलर पर ले जाएं, आपके पिक्सल्स मेंटेन होके आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं इसे चाहे ब्लू में ले जाऊँ, यहाँ पर डार्क एरिया है, तब भी ये फिक्स हो जाएगा। और चाहे मैं इसे ब्राइटर एरिया में ले जाऊँ तब भी ये फिक्स हो जाएगा। एक काफ़ी कमाल का चीज़ था। मैं कंट्रोल जेड से अंडू करता हूँ, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करता हूँ इसे। और अगर अब आप देखें कि हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो है डेस्टिनेशन। ये डेस्टिनेशन क्या है, आइए थोड़ा इसे जान लेते हैं। इस पर क्लिक करते हैं। आप देखिए, मान लीजिए मुझे किसी चीज़ को रिमूव नहीं करना है, बस उसकी डुप्लीकेट कॉपी करनी है। जैसे कि ये जो वर्ड है मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, यहाँ पर इसका मैंने सिलेक्शन किया। और अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसे मैं यहाँ पर भी ऐड करना चाहता हूँ। आप देखिए कि इसने इसे काफ़ी इजीली, यहाँ पे इसका कलर कुछ भी हो पर यहाँ पर ये पक्षी इसी कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेस हो गया है। ठीक है, अगेन करके देखते हैं, यहाँ से इसे यहाँ पर कर देते हैं तो ये वहाँ पर जो कलर्स पिक्सल्स हैं उसके अकॉर्डिंग सेट हो गया है। तो ऐसे आप चीज़ों की डुप्लीकेट कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे ऑरेंज कलर है, अगर इस पक्षी को आप यहाँ पर डालना चाहें इजीली प्लेस कर सकते हैं। और ऐसे आप कुछ एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए अभी आपने इतना सेलेक्ट कर लिया है, अब आपको लग रहा है यार कुछ और होते तो मज़ा आ जाता, तो यहाँ पे आप ऐड सिलेक्शन कर सकते हैं। ऐसे कि आपका ए सिलेक्शन पहले से बना हुआ है, अब बस आप इसी में और सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। ऐसे ये देखिए, अब आपका इरादा चेंज हो गया है, नहीं उतना ही काफ़ी था, या फिर मेरे को ये यहाँ पर इतना एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट पर आ जाइए यहाँ पर और यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम दिस। तो ये एरिया यहाँ से गायब हो गया है। अब आपका इरादा और ही चेंज हो गया है और आप चाहते हैं कि मेरे को बस ये तीन चाहिए, तो बस आप इन तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए यूँ, तो आपके पास बस इतना एरिया रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। ये आप पहले भी सीख चुके होंगे। और अब मैं चाहता हूँ कि इनको मैं कहीं और डेस्टिनेशन सेट कर दूँ, तो डेस्टिनेशन पे हम क्लिक करेंगे और जब हम इसे ले जाएंगे तो हम इसे कहीं पे भी इजीली ले जा सकते हैं। और ये देखिए, तीनों के तीनों पक्षी यहाँ पे प्लेस हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जैसे मेरे पास एक ब्यूटीफुल सा लैंडस्केप है, लेकिन ब्यूटीफुल से लैंडस्केप में एक चीज़ जो हमें बेकार लग रही है वो है ये एक ह्यूमन, कि अगर एक ह्यूमन नहीं होता तो शायद एक और भी सुंदर लगता। अगर आप चाहते हैं तो इसे रिमूव कर सकते हैं इजीली। तो पहले आप इसका सिलेक्शन कीजिए रफली ऐसे करके यूँ, ऐसे ही सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर आप इसको पैच टूल से सिलेक्ट नहीं करना चाहते, आपको लग रहा है काश अगर मैं ये टूल यूज कर पाता, क्योंकि ये टूल काफ़ी यूजफुल है और इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं इनसे हम, जैसे अगर आप चाहें तो पॉलीगोनल लेसर टूल का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये बेस्ट लगता है तो आपको रफली सिलेक्शन करना है उसके अराउंड, ठीक है, उसको परफेक्ट सिलेक्शन नहीं बनाना है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन अब आप आ सकते हैं पैच टूल पे।
पैच टूल का कीबोर्ड शॉर्टकट जे है, आप इसे जे से भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप टूल बार में नहीं आना चाहते तो। देन हमारे पास ये सिलेक्शन बनकर तैयार है और अब हम इसे रिप्लेस करके देखते हैं। ओह सॉरी, रिप्लेस नहीं हुआ क्योंकि ये हमारा सेट है अभी डेस्टिनेशन पे और हम करेंगे इसे सोर्स पे। अब हम इसे रिमूव कर सकते हैं आसानी से। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करते हैं इनको, लाइंस को, इट्स वर्क। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप इसे इजीली फिक्स कर सकते हैं। कैसे? ऐसे सेलेक्ट करके और कुछ भी तरीके से आप इसे ऐसे फिक्स कर सकते हैं। और अब आपका लैंडस्केप है ओनली, आप चाहें तो इसे कहीं भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लैंडस्केप की फ़ोटोग्राफी करते हैं और बहुत सारे लोग उसमें आ जाते हैं, तो उन्हें आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हो और अपने लैंडस्केप को सेपरेटली सेव कर सकते हो। एंड अगेन आई हैव दिस ब्यूटीफुल फोटोग्राफ और आप देखेंगे कि ये फ़ोटोग्राफ में कुछ अनवांटेड चीज़ें हैं जो बिल्कुल इस फ़ोटो को सही नहीं लग रही हैं। आप चाहें तो इन डॉक्स को हटा सकते हैं जो कि एक अच्छा रहेगा अगर आप चाहें तो, और मुझे इस ट्यूटोरियल को बनाना है तो मैं आपको हटा कर दिखाना ही चाहता हूँ। जैसे कि अगर मैं इस भाई साहब को हटाऊँ यहाँ से, तो इजीली मैं इस डॉग को यहाँ से यूँ सेलेक्ट करूँगा लाइक इट्स गायब। ऐसे आप चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं, काफ़ी आसान तरीका था। एंड अगर आप इस डॉग को भी रिमूव करना चाहें तो देखिए हम यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे इसके पैर के नीचे से, क्योंकि पहले हमें डिफ़िकल्ट काम करने चाहिए फिर हमें आसान लगने लगता है। अब तो हम इसे इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं, डजेंट मैटर, माउस को घुमाते रहिए सही से और छोड़िएगा मत उस की को, लेफ़्ट की को, एंड मिला दीजिए। अब यहाँ पे छोड़ दीजिए, सिलेक्शन बनकर तैयार। अब हम इसे थोड़ा सा इधर करना चाहेंगे, आप देखें इट्स फाइन। कुछ और एरियाज हैं जिन्हें आप इजीली फिक्स कर सकते हो और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई है ही नहीं लेकिन इतनी बड़ी शेडो किसकी आ रही है, तो यू कैन सेलेक्ट दिस एरिया। और एक और तरीका ये है कि अगर आप पैच टूल पे हैं और आपको पॉलीगोनल लोसो टूल चाहिए तो आप ओल्ड को होल्ड कर लीजिए और क्लिक कीजिए सिंपली लेफ़्ट क्लिक, और देखिए कि आपके सामने आ गया है पॉलीगोनल लोसो टूल और आप बस इससे इजीली ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और छोड़ दीजिए। और अब आप इसे शेडोज को भी यहाँ से रिमूव कर पाओगे। मेरे पास एक और फोटोग्राफ है, इस पर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये सारी चीज़ें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक फ़ोटोग्राफ है, इसमें ये दो एनिमल्स हैं काफ़ी अच्छे लग रहे हैं लेकिन ये पेड़ में मिल रहा है और ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिव लग रहा है हमें, कि इसको अगर हमें रिमूव करना हो तो कैसे रिमूव करेंगे। सिंपल तरीका वही था लेकिन ये बिजी बैकग्राउंड है काफ़ी, तो इसमें भी हम ट्राई करके देखते हैं ताकि आपको डाउट ना रहे कि बड़ी चीज़ों को भी हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। सेम तरीका ये है कि पहले तो हमें इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं ओल्ड को होल्ड करता हूँ, मान लीजिए ओल्ड को होल्ड किया तो ये पोर्नोगोनो लेसी टूल आएगा इसमें। अब मैं चाहता हूँ कि यार वही टूल आ जाए जो पहले चलता था, यानी कि लेसो टूल, तो आप बस लेफ़्ट की को और दबा लीजिए और ये काम ऐसे करेगा कि आप इसे रिमूव कर सकते हैं इजीली। एंड छोड़ दीजिए दोनों की को, यानी लेफ़्ट की और ओल्ड की को, तो आपका सिलेक्शन ऐसे बन सकते हैं। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पर आप यूज करना चाहेंगे पॉलीगोनल लूसी टूल और प्लस लेसो टूल का, तो काफ़ी सिलेक्शन बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा सिलेक्शन बनके तैयार है। अब हमें ऐसा एरिया ढूंढना है, ऐसा सोर्स ढूंढना है जहाँ पर हम इसे रिप्लेस कर सकें। अगर मैं इसे यहाँ पर ले जाऊँ, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ फिल किया लेकिन ये सही बिल्कुल भी नहीं आया है। अगर आप चाहें तो इन्हें भी फिक्स कर सकते हैं ऐसे, यू कैन फिक्स डैट, तो ऐसे सही कर सकते हैं। तो जितना टाइम स्पेंड करेंगे आप अपने प्रोजेक्ट पे उतना प्रोजेक्ट को आप अच्छा दे सकते हैं और उतना ही अपने क्लाइंट को खुश कर सकते हैं। देन देखिए मेरे पास एक और फोटोग्राफ है, इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारी बतख्स हैं लेकिन हम इस बार यूज करेंगे नॉर्मल से कंटेंट अवेयर, क्योंकि कंटेंट अवेयर अभी हमने टेस्ट नहीं किया है। और आपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा होगा कि कंटेंट अवेयर भी चीज़ों को रिमूव करने के काम आता है, लेकिन अब हम सेलेक्ट करेंगे कंटेंट अवेयर और आप देखें कि एक यहाँ पे बतख है और मुझे इसे रिमूव करना है क्योंकि मुझे एरिया चाहिए, ठीक है। रफली सिलेक्शन अराउंड इट, रफली सिलेक्शन अराउंड ऑफ दी बतख, और मैंने यहाँ पे इस डक के अकॉर्डिंग एक सिलेक्शन बना लिया है। और इस बार हमें कंटेंट अवेयर पे हम इसे थोड़ा सा रिप्लेस करेंगे,
इस एरिया से, देखिए अलाइन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, आई एम गोइंग विद दिस। तो आप देखेंगे कि काफ़ी बेकार सा इसमें आया है, मुझे तो ये पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद आता है, आपके फ़ोटो पे अगर आप काम कर रहे हैं और उसने अच्छा रिजल्ट दिखाया है, तो आप इसको रहने दीजिए। आप इसके क्या कर सकते हैं, कंटेंट अवेयर में इसका स्ट्रक्चर चेंज करके देख सकते हैं। देखें यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, स्ट्रक्चर बदलता रहेगा, 3 पे कुछ ऐसा आएगा, नंबर 1 पे कुछ ऐसा आएगा, नंबर 2 कुछ ऐसा, चेंज करते रहिए स्ट्रक्चर और कहीं ना कहीं पे तो आपका एक अच्छा रिजल्ट मिल ही जाएगा। जैसे कि 5 पे मेरे को थोड़ा बेटर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं देखूँ तो प्रॉब्लम है। फिर मैं 6 पे जाऊँगा, 6 पे थोड़ा सा और बेटर, 7 पे थोड़ा बेटर है। ठीक है, हम ऐसे ले लेते हैं और यहाँ से हम इसके कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यू कैन सेट कलर्स एंड स्ट्रक्चर। तो आई एम गोइंग विथ कलर्स 0 and 7 स्ट्रक्चर एंड इट इज फाइन। लेकिन अगर आप देखें कि ये बिल्कुल फिक्स नहीं हुआ है, तो कंट्रोल जेड से अंडू, और अब आप देखेंगे कि आप इसे नॉर्मल से काफ़ी अच्छे तरीके से सही कर सकते थे। तो नॉर्मल से हम एक बार फिक्स करके देखते हैं। इट्स नॉर्मल नॉट कॉन्टेंट अवेयर एंड यू कैन सेट मैनुअली लाइक दैट एंड इट्स बेटर देन कॉन्टेंट अवेयर। तो कंटेंट अवेयर में एक डिफरेंस है। नॉर्मल लेयर में आप देखेंगे कि कोई भी ऑल लेयर्स का एक ऑप्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही आप कंटेंट अवेयर पर जाते हैं तो वहाँ पे सैम्पल ऑल लेयर्स का एक ऑप्शन है। जब आप न्यू लेयर पे काम करना चाहेंगे तो आप इसे चेक कर सकते हैं और फिर ये आपके लिए आसान रहेगा। ऐसे मान लीजिए आप कुछ भी रिमूव करें यहाँ से, जैसे कि बतख को रिमूव करना चाहता हूँ, सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस। ठीक है, रैंडमली सेलेक्ट किया और अब मैं इसे रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं इसे रिमूव कर सकता हूँ। लेकिन जो एरिया आएगा वो आएगा एक न्यू लेयर पे, और इससे आप इसे इजीली यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज कर करके देख सकते हैं कि क्या स्ट्रक्चर हमारा बनेगा। ओके, देन क्लोज इट। ठीक है, जो लास्ट चीज़ रहेगा ये आपको दिखाने के लिए, वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, चलिए इसे थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक इमेज ये है, और अगर मुझे इसकी गार्डनिंग करनी है, यानी कि इसकी जो ब्रांचेस हैं उनको काटना है सही से, तो हम इस टूल से काट कर देखते हैं। और अभी इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ्यूजन है वो है 5 पर, और जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ ऐसे एरिया को और यहाँ से देखता हूँ, तो आप देखेंगे इसमें ये ब्लैक कलर का फेडेड एरिया आ जाता है, जो कि अननेचुरल लगता है और हमें अच्छा नहीं लगता है। मैं इसे कंट्रोल जेड से अंडू करता हूं और इसकी डिफ्यूजन हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, अराउंड जो भी मैक्सिमम है अराउंड 7। ठीक है, अब हम इस एरिया को रिमूव करने की कोशिश करेंगे फिर से, तो ये डिफ्यूजन थोड़ी सी और ज़्यादा हो गई है। जो ब्लैक कलर फेडेड आ रहा था उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है और वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, हम समझ गए हैं क्या कॉन्सेप्ट है डिफ्यूजन की। हम कंट्रोल जेड से अंडू करते हैं और इस बार हम यूज करेंगे डिफ्यूजन 1, जो भी मिनिमम हो। अगर 0 सेट कर सकते तो 0 कीजिए, लेकिन इसमें मिनिमम 1 है तो 1 पे रहने देते हैं। और एक बार कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, और अब हम इसको थोड़ा सा सेट करेंगे इजीली, क्योंकि फ़ोटो को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे इन शाखाओं को ऐसे मैच करना है, रिमूव इट्स हैव नो प्रॉब्लम। आप आसानी से इसे रिमूव कर सकते हैं, थोड़ी सी आगे जा रही है, इसे भी हम इजीली फिक्स लाइक डैट, यहाँ पर ऐसे लाइक डैट, लाइक डैट। ज़्यादा एरिया मत करिए सिलेक्ट, थोड़ा सा बेकार रिजल्ट मिलेगा आपको। यू कैन सेलेक्ट लिटिल बिट लाइक डैट। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, एक फ़ोटोग्राफ और है, इस पर थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जैसे कि मैं पैच टूल पे हूँ, और अगर मेरे को इसे पेड़ को सिलेक्ट करना हो, तो सबसे आसान टूल होगा वो होगा पॉलीगोनल लॉसो टूल। तो मैं ऑल्ट को होल्ड करता हूँ और यहाँ से क्लिक करना स्टार्ट करता हूँ, एक क्लिक की मैंने, और माउस की लेफ्ट की को छोड़ दिया, तो ये आ गया है किस टूल में, पॉलीगोनल लॉसो टूल में। लेकिन यहाँ पे मुझे चाहिए लॉसो टूल, माउस की लेफ्ट की को होल्ड कर लेता हूँ, हमारी ऑल्ट की भी होल्ड है और माउस की लेफ्ट की भी होल्ड है, जिससे ये चेंज हो गए है पॉलीगन नॉर्मल टूल में। और फिर मैं चलता हूँ यहाँ पे ऐसे ही, अब मैं लेफ्ट की को छोड़ देता हूँ, तो ये आ गया फिर से पॉलीगन लॉसो टूल में, और मैं यहाँ से इसे
इजीली मैच कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे आप इस टूल का सिलेक्शन कर सकते हैं एंड आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। मैं नॉर्मल और यहाँ पे सोर्स एंड रिप्लेस, काफ़ी बेकार रिजल्ट आया है। कंट्रोल जेड से अंडू कीजिए और यहाँ पे इसकी डिफ्यूजन जो है उसे अराउंड 6.5 कर दीजिए एंड टेस्ट अगेन, इट्स बेटर देन प्रीवियस। तो इस तरीके से भी आप रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और है, वो ट्रांसपेरेंसी चेक, इसे और देख लेते हैं क्या है, कहीं आप ये ना कहें कि भाई ये चीज़ तो आपने बताई नहीं। ठीक है, ये मेरे पास फिर से वही फोटोग्राफ है। अगर आप इस ट्रांसपेरेंसी को चेक रखते हैं और अगर आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो वो नहीं दिखती है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे इनेबल्ड है। तो इसे अनचेक रखिएगा हमेशा और डीसेलेक्ट नाउ। और फिर हमारे पास एक और चीज़ है, यूज पैटर्न। ये वेरी सिंपल है यार, क्या बताएं आपको इसके बारे में। जैसे कि हमारे पास ये एक एरिया है और इसे अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि आपको बता दूँ कि इस एरिया को मैंने यूँ सेलेक्ट कर लिया है इस तरीके से। और फिर यहाँ पे है पैटर्न। पैटर्न वही होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप में भी आते हैं और आप अपनी पसंद से पैटर्न्स बना भी सकते हो और आप रेडीमेड बने हुए पैटर्न्स इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हो। वेल, मेरे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप के ही हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो बहुत सारे पैटर्न्स हैं बॉर्डर्स के बारे में। अगर आप देखें तो मैं इसका एक बॉर्डर भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि मैं इस बॉर्डर को फिल करूँ तो यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर लिखेगा यूज पैटर्न सिलेक्शन, इस पर मैं क्लिक कर दूं तो ये इस बॉर्डर से फिल हो जाएगा। कंट्रोल जेड से अंडू कर दूं और भी मेरे पास फ्लावर्स हैं, मैं फ्लावर्स ला सकता हूं यहाँ पे दिस पैटर्न, और ये अच्छा नहीं लग रहा है। कंट्रोल जेड से अंडू, और हमारे पास ट्री भी है, लेट्स ट्राई आउट दिस ट्री। हमारे पास ये ट्री भी है एंड फिल द पैटर्न्स। ठीक है, आप देखेंगे कि ट्री है, फिर ये काफ़ी चीज़ आ सकती हैं अगर आप इसे ग्रीन कर दें। ठीक है, जैसे कि ग्रीन किया आपने, ठीक है, और डी सेलेक्ट अगेन, सेलेक्ट दिस एरिया अगेन एंड, और अब आप आते हैं और सेट करते हैं कोई भी पैटर्न तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे ग्रास भी फिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक छोटा सा वीडियो पैच टूल के बारे में पसंद आया होगा। हम मिलेंगे आपसे एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ में बेल भी बजाइए।